हाँ जी, तो दोस्तों आज हम आपको मिलाते हैं नरेंद्र जी से, पुनीत जी से एंड तुषार जी से। ये आए हैं जी हमारे पास देहरादून से। देहरादून में ऑलरेडी काफी कस्टमर्स हैं, तो इन्होंने सर का, मेरे को नरेंद्र जी का फोन आया कि हाँ जी मुझे केन कोर्सो चाहिए। तो मैंने इनको बोला, मैं कहा हाँ जी केन कोर्सो अपने पास मिलेगा। इन्होंने अपने यूट्यूब पे ही कुछ वीडियोस देखे थे, तो उन्हीं से इन्होंने मेरे को कॉल किया। और मेन स्टोरी जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इनको मैंने पपी दिखाया तक नहीं, इन्होंने मेरे को अपना दिखाया, लेकिन मैंने इनको कुछ नहीं दिखाया। अरे ही साइड पे नहीं, मैं आ रहा हूँ, बाकी की बात हम नरेंद्र जी से करते हैं। तो नरेंद्र जी कैसा लगा आपको, पहले तो ये डॉग दिखाइए। यार भैया, सबसे पहले तो आपसे मिले ये हमारा सौभाग्य है यार। थैंक यू, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज है मतलब डॉग्स की। आप मुझे नहीं पता था कि आप बड़े डॉग्स, मैंने आपको बताया भी था, मुझे नहीं पता था बड़े डॉग्स में वो करते हो। आपके सिडजू वगैरह मैंने हमेशा पहले से देखते आया, तो एक्चुअली मैं पप्पी लवर तो हूँ, डॉग लवर बहुत ज्यादा हूँ। तो मैंने भैया लिया भी है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी हफ्ते पहले मैंने परचेज करा है, बट समहाउ वो शायद अब किसी कारणवश ब्रोकर्स की उससे किसी उससे वो गलत आ गया था। उसके बाद मैं ऐसे ही मेरा मूड वैसे ही उड़ता, तो एक्चुअली यूट्यूब में मैंने आपका वीडियो देख लिया, उसमें तुरंत दिखे आप मेरे को, तो मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, मैंने घर में बोला तुषार को, इनको मैंने कहा यार हमें जाना है जी। तो मेरी आपसे बात हुई, जबकि आपने कहा यार आराम से आ रहा है, मैंने कहा भैया आई हैव टू मीट यू, मुझे कुछ भी है तो दे दो। तो थैंक गॉड कि आपने मुझे ये दिया भैया, और बस मैंने पहले से डॉग रखे हुए हैं, मेरे पास जर्मन भी था जी, मेरे पास रॉड था जी, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाती है भैया, तो वो है, लेकिन वो मतलब वो प्योर ब्रीड मुझे लगी नहीं भैया। ओके ओके, है ना, क्योंकि प्योर ब्रीड में ना थोड़ा बहुत देते माँ बाप का असर तो रहता है कि वो, है ना, तो वो चीज उसमें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है भैया। और बाकी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है इसकी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जिस आदमी से ले रहा हूँ, यू हैड्स ऑफ टू भैया, क्योंकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, पाजी फटाना जरा, ये देखिए दोस्तों, ये जैसे कि सबको पता है कैसानोवा सन है, ठीक है जी, कैसानोवा ब्लड है और पीटर का बच्चा है ये, ठीक है जी। इसके पहले जो हमारे पास लीटर था वो भी यही था। थोड़ा सा आपको इसकी नॉलेज इस वीडियो के जरिए बताना चाहूंगा, वैसे तो बहुत सारे लोगों को बताया हुआ है। आजकल लोग क्या करते हैं कि आम बच्चे को दिखा देते हैं, ठीक है जी, जैसा कि गुरिंदर के साथ मेरे पहले वीडियो आ चुके हैं, हमने काफी डिस्कस किया इसके बारे में कि लोग लैब्राडोर, ब्लैक लैब्राडोर फीमेल्स को मिस कर देते हैं, भाई साहब बुरा हाल हो जाता है। आपकी पहचान, सिंपल पहचान देखो जी, ये फेस के ऊपर स्टॉप, अभी 32 दिन का बच्चा है ये, 32 डेज ओल्ड, और उसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। पीटर की फोटो इस वीडियो में मैं साथ में लगाऊंगा, आपको दिखा के हटाऊ, मैच करना, और तुषार जी और आप भी अपना भाई सपनी जी, हमारा वादा है 14 महीने का, वैसे कम से कम 14 महीने होते, लेकिन आप 16 महीने तक इसकी सेवा करो, 16 महीने के बाद आपको लगे कि यार ये पीटर के जैसा नहीं है या केने कोर्सों के जैसा नहीं जा रहा, हम बैठे हैं जी, हमें हमारा बच्चा वापस कर दो, आप अपनी पेमेंट वापस ले लो, जो आपका उसके ऊपर खर्चा हुआ है। ऐसा तो लगे होना ही ना भी है, ऐसा तो होना ही, वैसे बात कर रहे हैं सर, होगा तो नहीं, बट कई बार पता नहीं पड़ा होता सर, है ना, मान लो हमें पता है 100% नहीं होना, लेकिन आपके मन में कहीं रह जाए, व्यूअर्स के मन में कहीं रह जाए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं। भैया मैं तो आपको ऐसे भी हाईली रिकमेंड करूंगा, लेकिन हाँ आफ्टर 16 मंथ्स, तो उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कि देहरादून में भी आपकी एक वो ना चले। सर यकीन मानना, आपके उधर ना रुड़की है जी, जी रुड़की में बहुत छोटा सा गाँव है, मेरे को पता नहीं, वैसे मैं कभी गया नहीं, वहाँ पे लड़का है विशु, ठीक है जी, लड़का है वो, यानी कि यंग सा है, मेरे ख्याल में आज की डेट में उसकी कोई 26 साल उम्र होगी, 25 साल उम्र होगी, तो वो छोटी उम्र में 22 का साल का था, उसको भी इज अ काउंट ऑफ डॉग्स, है ना। ओके ओके, तो डॉक्टर फैमिली है, तो मदर फादर दोनों डॉक्टर है, तो मेरे पास आया, कहता पाजी पिकनिक चाहिए, मैं कहा पिकनिक कहाँ मिलेगा, कहता नहीं पिकनिक चाहिए, मैं कहा अच्छा ठीक है, मैंने पिकनिक ढूंढा, पिकनिक उसको दिया, वो लेने आया मेरे पास रुड़की से जलंधर, जलंधर लेने आया और घर पे आया, और इतना अच्छा लगा, घर वाले कहते कहते नीतू रात रुक जा, सुबह जाइए आराम से, ठीक है जी, सुबह उसको भेजा, आज की डेट में उसके पास 6 डॉग है, कम से कम 6 के 6 मेरे दिए हुए, 6 के 6 यूनिक, ठीक है जी, एंड ही इज सो हैप्पी। और आज की डेट में वो कहता कहता पाजी लोग स्पेशल मेरे घर में इनको देखने के लिए आते हैं, और हमको हमारे नाम से कम जानते हैं, इनके नाम से जिनके कि हाँ भी उनके घर में ऐसे ऐसे डॉग्स हैं, वो तो नहीं कहीं उनके घर तो नहीं जाना आपने, तो उम्मीद है कि इसके साथ भी यही हो, हाँ भी ब्लैक पैंथर आपके घर में है, तो थैंक यू, आपके घर में जाना है कि हाँ जी
कि वो भाई साहब घर में जाना है, ये चीज है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमसे मंगवाते हैं, यकीन मानना बंगाल कोलकाता पता नहीं कहाँ कहाँ सब जगह जाते हैं, कोई नहीं लेने आता, बहुत कम लोग हैं जो लेने आते हैं। हम बंगाल भी होते हैं, आपसे तो मैं पक्का मिलना, आपसे मिलने आता हूं पर्सनली, इसीलिए वीडियो बनाया। एक्चुअली आपसे मिलना पूरा लीटर था सर इसके पहले अलीना का, ठीक है जी, पूरा लीटर, और उसमें से कम चार लोगों ने बोला कि भाई साहब हम आ रहे हैं, आगे सामने देख के लेके जाएंगे। क्वालिटी मैंने आपको दिखाई लीना के बच्चों की, ठीक है ना, किसी ने नहीं बोला था भाई साहब बस भेज दो आप पैसे बताओ पूरे डाल दूं कप, ये चीज है। तो एक बार आपको फिर से सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, ओके जी, थैंक यू सर।